एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। कभी कभी स्कूल जाते हुए कभी कभी नहीं रोज़ ही रोज़ स्कूल जाते हुए वो लड़का अक्सर अपने खाने का टिफ़िन घर भूल जाया करता था। फिर रास्ते में उस बेचारे को जाते हुए, अरे वो 8-9 किलोमीटर दूर उसका स्कूल होता था। वो बेचारा फिर, इतने पैसे तो होते नहीं थे कि कुछ खाए, तो फिर वो ऐसे ही अपना वक्त गुजार के बस घर वापस आ जाता था। काफ़ी दफ़ा लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा वो अंडे वाला टिफ़िन किधर है जिसमें 2 टोस्ट भी होते थे, तुम्हारा वो अंडे वाला टिफ़िन किधर है? तो लड़का आगे से कहता था कि ओए मैं भूल गया यार। तो फिर लड़के आगे से मजाक करते थे कि तू क्यों भूल गया भाई, ओए तुझे किसकी याद ने वो खाने वाला टिफ़िन बुला दिया। हाय, फिर आगे से वो सुनाता होता था कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी गलियों में चोरी चोरी चुपके चुपके, अरे उसे देखा करती थी। वो टारजन तो थी नहीं कि सामने आ जाती, ना ही उसकी मिलने चलती थी। वो भी गरीब थी, वो लड़का भी गरीब था, तो उसे चोरी चोरी देखा करती थी। वो उसे चिट्ठियाँ लिखा करती थी, चिट्ठियाँ मीन्स ख़त लिखा करती थी, और ख़त भी अपने खून से लिखती थी। ओए होए, ये तो आप बकवास कह रहे हैं, खून से तो नहीं लिखती थी, चलो यार थोड़ी तारीफ और कर देते हैं। वो उसे ख़त लिखा करती थी अपने खून से, ओए होए, या बकरे के खून से, आई डोंट नो। हाय हाय, जब रात आती थी वो लड़का बड़ा खुश होकर निकलता था घर से कि चलो किसी बहाने वो चूड़ियाँ डलवा रही होगी, उसको देखेगा जाके। आए है आए है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार, क्या हुआ। बस फिर मैंने शाहरुख खान की एक फ़िल्म देखी, उसमें कहता है कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, न जाने से क्या कहना था, न जाने वो किससे डरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके उसे ख़त लिखा करती थी। बस फिर शाहरुख खान की फिल्में देखता रहा वो लड़का।